तो भाई लोग कहानी की शुरुआत होते ही हम एक स्पेस कैप्सूल को देखते हैं जिसमें दो बंदे थे। हालांकि एक की मौत हो चुकी थी क्योंकि थोड़ी देर पहले इन सबकी स्पेसशिप में बहुत बड़ा धमाका हुआ था, इसीलिए ये दोनों सेफ्टी स्पेस कैप्सूल में बैठकर वहां से निकल चुके थे। थोड़ी ही देर में मार्क नाम का बंदा था जो होश में आता है और वो देखता है कि स्पेस कैप्सूल में कोई भी कंट्रोल काम नहीं कर रहा है और वो अपने आप ही आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मार्क अपने कमांडर से या किसी भी आसपास की कोई भी स्पेसशिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के लिए तो कांटेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन अचानक से सामने से एक आवाज आती है मार्क के ट्रांसमीटर में और वो आवाज थी हेदर नाम की स्पेसशिप से। हेदर 18 है, मैं कमांडर रोबर्ट्स हूँ, जो की एक महिला मार्क से बातचीत कर रही थी। मार्क उसे सारी बातें क्लियर करता है और वो अपने कोऑर्डिनेट्स हेदर नाम की स्पेसशिप में जो महिला थी उसे वो देता है। सामने से वो महिला भी कहती है कि तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारी डायरेक्शन में आ रहे हैं और थोड़ी ही देर में हम तुम्हें बचा लेंगे। बाकी क्या करियो? लेकिन जब मार्क सामने की ओर देखता है तो उसे बहुत बड़ी रोशनी दिखाई देती है जो कि डायरेक्ट उसी के स्पेसशिप के अंदर आ रही थी। तभी सामने से महिला कहती है मार्क को कि तुम बुलेट की रफ्तार से सूर्य की ओर बढ़ रहे हो और 17 मिनट के अंदर तुम सूर्य से टकरा जाओगे, यानी कि यहाँ पर मार्क की मौत पक्की थी। लेकिन महिला मार्क से ये वादा करती है कि 17 मिनट से पहले हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे और तुम्हें किसी भी तरह से बचा लेंगे। अभी ये सुनकर हमारा मार्क थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका था। मार्क यहाँ पर भाई लोग बुरी तरह से घबरा चुका था क्योंकि उसके कई साथियों की मौत हो चुकी थी और मार्क देखता है कि उसकी स्पेस कैप्सूल के अंदर भी एक कांच मौजूद था जिसमें क्रैक आ रहे हैं। यहाँ पर मार्क समझ जाता है कि बाहरी ओर सूर्य की गर्मी और स्पेस कैप्सूल के अंदर से ठंडी हवा का कूलर चालू था, इसीलिए टेम्परेचर में गड़बड़ घोटाले हो रहे थे। यहाँ पर मार्क अपने आप को सीट से ओपन करता है और कैप्सूल के अंदर जाता है और वहाँ पर जाकर कैप्सूल के अंदर जो कूलेंट ऑन था उस मशीन को वो बंद कर देता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। मार्क जैसे ही अपनी सीट पर आकर बैठा ही था तभी स्पेस में से एक मलबा मार्क की स्पेस कैप्सूल से टकराता है और मार्क की वो कैप्सूल वहाँ पर चक्कर खाने लगती है और उसकी तेजी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ज़्यादा तरीके से भाई लोग बढ़ जाती है। मार्क अंदर जैसे तैसे करके किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है भाई लोग कि उसकी कैप्सूल वापिस एक पत्थर से टकराती है जो कि स्पेस में ही मौजूद था और टकराने के कारण वो वापिस अपनी सही डायरेक्शन में आ पहुँचती है। मार्क देखता है कि जैसे ही वो सूरज के जितना पास जाते जा रहा था उतनी ही तेजी से मार्क की कैप्सूल के अंदर कांच में क्रैक आना शुरू हो चुके थे। थोड़ी ही देर में भाई लोग एक छोटा सा पत्थर बहुत ही तेजी से मार्क की कैप्सूल के अंदर टकराता है और उसमें छेद कर देता है। अभी छेद होने के कारण मार्क की स्पेसशिप में जो ऑक्सीजन मौजूद था वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका था और मार्क ने अपने आप को बचाने के लिए वहां पर मौजूद स्पेस सूट पहन लिया था जिसमें 30 मिनट की ऑक्सीजन बची हुई थी। इस मोड पर मार्क पूरी तरह से घबराया हुआ था और वो इंतजार कर रहा था हेदर नाम की स्पेसशिप का जो कि उसे बचाने के लिए आ रही थी। थोड़ी ही देर में मार्क की कैप्सूल के अंदर जो कांच था वो टूट जाता है और सूर्य का रेडिएशन कैप्सूल के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पर वही लोग हमारे मार्क की खौफनाक तरीके से मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।